नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शेफ कालू सिंह गुजर, और एक नया, पिछली बार जो हम मूस लेके आए थे, मूस में और एक नया डेजर्ट है, यानी कि नया और एक बेकरी से नया न्यू न्यू डेजर्ट करके लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है चॉकलेट मूस। चॉकलेट मूस आपको पता ही है, बेसिक सी डेजर्ट है, क्योंकि अभी जो हमारा वीडियो में जो सीरियल चल रहा है वो जो बेकरी के डेजर्ट्स का चल रहा है, लेकिन हमारे पास और एक कमेंट्स आया, उसमें लिखा है कि शेफ प्लीज़ वन मोर डेजर्ट फॉर चॉकलेट मूस। तो मैंने और एक चॉकलेट मूस का प्रिपेयर करके आपके लिए और एक वीडियो डाल रहा हूँ, मूस में ही डाल रहा हूँ, जो कि हमने लास्ट टाइम पाइनएप्पल मूस डाला था, आज हम चॉकलेट मूस डालेंगे। तो मूस के लिए आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने क्या क्या करना होता है, छोटी सी प्रिपरेशन से आप क्विक पिकअप कर सकते हैं डेजर्ट। तो आपके लिए वो कुछ नहीं है, आपको बताइए, व्हिप क्रीम होना चाहिए, देन हमारे पास चॉकलेट सॉस होना चाहिए, चॉकलेट मतलब हमारे पास व्हिप क्रीम होना चाहिए, आपको बताया, व्हिप क्रीम है जो सन व्हिप क्रीम के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। देन हमने उसको फेंट के रखना होता है, 10 to 15 मिनट्स के लिए आप उसको फेंट के रख सकते हो। देन उसके बाद आपका जो चॉकलेट ट्रफल है, उसको आप जो चॉकलेट है उसमें थोड़ा आपका जो कुकिंग क्रीम है उसको ऐड करके आप क्रीम जो चॉकलेट है उसको इस तरीके से कर सकते हैं, जो मैं आपको इन्ग्रीडियंट शो कर देता हूँ। ये हमारा चॉकलेट ट्रफल हो गया, ये इस तरीके से। देन ये हमारा व्हिप क्रीम हो गया। व्हिप क्रीम मैंने आपको बताया, सन व्हिप क्रीम के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल रहेगा, पर आप उसको 10 to 5 मिनट आप उसको अच्छे से व्हिप कर सकते हैं, यानी कि उससे हैंड से भी कर सकते हैं, देन आप विस्कर से भी कर सकते हैं, देन आप उसका वो हैंड ब्रेंडर है, आप उससे भी व्हिप क्रीम बना के तैयार कर सकते हैं, ताकि व्हिप क्रीम से आप कोई भी डेजर्ट बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जो व्हिप क्रीम के साथ में बना सकते हैं। तो ये हमारा जो बनेगा चॉकलेट मूस बनेगा, ये हमारा चॉकलेट हो गया, देन ये हमारा व्हिप क्रीम हो गया। तो आपको क्या करना है, ये जो है ये आपको इसमें मिक्स कर देना है। तो मिक्स करेंगे इसको इस तरीके से, ये हमने व्हिप क्रीम इसमें ऐड कर देना है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपको जो व्हिप क्रीम है इस तरीके से मिक्स देखना चाहिए। ये है जो हमारा चॉकलेट एंड देन व्हिप क्रीम है, जो दोनों प्रॉपर एकदम इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स आप स्पून से भी कर सकते हैं, देन हल्के हाथ से विस्कर भी यूज कर सकते हैं आप, देन आपका जो हैंड ब्लेंडर है वो भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा जल्दी बनाना है। और आपको इस वीडियो को देख के बनाना है तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से, जिसको हम बोलेंगे उस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, का पाइपिंग बैग मार्केट में अवेलेबल रहेगा, थोड़े से फिनिशिंग के साथ में अगर हम काम करेंगे, देन इसको नोजल बोलते हैं, नोजल भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। देन आपको ये है जो इसमें डाल देना है, ये इस तरीके से, कोई भी उसमें कॉन्डिमेंट्स में सर्व कर सकते हैं, या सॉरी ग्लास में या बॉल्स में, किसी भी तरीके से आप प्रेजेंट करके आप इसको। तो हम इस ग्लास में करेंगे, देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये इस तरीके से इसके अंदर इसको डाल देना है, ये ऐसे। ये इस तरीके से डाल देना है, देन थोड़ा सा ऐसे हल्के हाथ से आप हिला सकते हो, अगर गिलास है आपके पास तो हल्के हाथ से आप ऐसे कर सकते हो, ताकि एक ये प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सेट करने के बाद देन आप थोड़ा सा ऐसे इसको प्लेन कर लोगे, ये इस तरीके से आपको मूस इसमें भर देना है। देन हमने एक प्यारी सी प्लेट भी सजाई है, उसमें हमने लिखा भी है चॉकलेट मूस, ये हो गया। देन इस तरीके से हमने एक गार्निशिंग भी बनाई है इसके लिए, ये हो गया हमारा गार्निशिंग। इस तरीके का कोई भी गार्निशिंग आप इस पर लगा सकते हो, ये हमने गार्निशिंग कर देना है।
रेनबो बॉल्स इस तरीके से यूज करेंगे। तो देन आपका जो है चॉकलेट मूस इस तरीके से आप बना के देन एंजॉय कर सकते हो, यानी कि कोल्ड डेजर्ट है जिसको हम बेकरी का क्विक डेजर्ट बोल सकते हैं, यानी कि वो फास्ट तरीके से जिसको हम बना सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे मूस हमने इस पर डाल दिए हैं, पहले स्ट्रॉबेरी भी डाला, देन पाइनएप्पल डाला, देन आज हमने फिर से और एक चॉकलेट मूस डाला। तो आप कोई भी अगर बेकरी से डेजर्ट से रिलेटेड प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद देन आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के साथ साथ अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा या वीडियो डालूंगा। देन उसके बाद आप इंजॉय करें। थैंक यू सो मच।